तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने बाइक खड़ी है, ऑल ब्लैक आरटीआर 160, और ये सिंगल डिस्क में, इसका डबल डिस्क भी आता है, सिंगल डिस्क में आपका एबीएस भी मिलेगा। अब बहुत लोगों का एक कमेंट आएगा कि इसका स्टिकर हम हटा दिए, तो इसका हम हटाए नहीं है, कंपनी से आ रहा है फुल्ली ब्लैक। सिर्फ आपको स्टिकर यहाँ पे हाइपर एज किया हुआ है, RTFI यहाँ पे रेस ट्यून जो किया हुआ है, बाकी एलोविल पर जो स्टिकर देखने के लिए मिल रहा है रेड में, बस वही। और बाइक अगर ऑलमोस्ट देखा जाए ना पूरा का पूरा, तो फुल्ली ब्लैक आपको देखने वाला है यहाँ पे। उसके पहले बाइक में बैठ जाते हैं, बैठने के बाद देखना है कि आपको लुक वाइज ये कैसी लगती है। जैसे कि स्टिकर जब होता था तो थोड़ा अलग लगता था, विदाउट स्टिकर का देख सकते हैं। चलिए अब इसका हम फटाफट रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जी बात करेंगे इसका फ्रंट लुक से, तो यहाँ पे विंडशील्ड जो दिया गया फुल्ली ग्लोसी ब्लैक में, और नीचे पहले यहाँ पे स्टिकर होता था वो भी चीज़ हटा दिया गया। हेडलाइट इसका जो दिया गया है वो आपका एलईडी में देखने के लिए मिलेगा, लो बीम हाई बीम के साथ, नीचे नंबर प्लेट का ऑप्शन। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया जो पहले आता सेम, इसमें कोई चेंजेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। रिफ्लेक्टर तो यहाँ पे मिसिंग है, बट रिफ्लेक्टर होना चाहिए था सस्पेंशन पे। और नीचे अगर देखा जाए इसका टायर वगैरह, तो जो पहले टायर आता था सेम 1917 इंच अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर यहाँ पे दिया गया। फ्रंट मडगार्ड प्लास्टिक फाइबर में, बिल्ड क्वालिटी तो आपको पता ही कि अपाची का वैसे भी बेहतरीन होता है, फ्लेक्सिबल भी है। डुअल पिस्टन कैलिपर का इसका ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है एबीएस के साथ, ये हो जाता है एबीएस चैनल, और ये मिल जाता है आपको देख सकते हैं डिस्प्ले काफ़ी बेहतरीन। इस तरह का डिस्प्ले हर एक बाइक में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सुपर मोटो एबीएस, इसका जो एबीएस होता है ना काफ़ी बेहतरीन होता है, और काफ़ी मतलब एक देखने में भी और चलाने में भी बेहतरीन लगता है ब्रेकिंग कंट्रोल करने में। और यहाँ पे टीवीएस रेसिंग का भी स्टिकर किया गया है रेड कलर में एलॉय व्हील में, ठीक है। इतना सारा कुछ हो जाता है फ्रंट लुक से। इंडिकेटर तो पहले जो आता था उसको अपडेट करके जो बीच में आ रहा है बस वही चीज़ है, इसके बाद अपडेटेड यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। इधर साइड से देखा जाए तो आपको सेम यहाँ पे टीवीएस का लोगो मिल जाएगा आपको, हॉर्स जो छपा होता है। स्टिकर तो रिमूव कर ही दिया है, पता है आपको ये चीज़ यहाँ पे लग रहा है आपको, हॉर्न वगैरह दिया गया। इंजन सेम आपको टेल पैनल पे देखने के लिए मिलेगा RTR 160, ये भी लुक वाइज बेहतरीन है। लेग गार्ड यहाँ पे लगा हुआ है, और नीचे देख सकते हैं इंजन गार्ड भी मिलेगा जिसमें हाइपर एज का जो किया हुआ है स्टिकर। साइड स्टैंड में ऑटो कट ऑफ का स्विच मिल जाएगा, साइड स्टैंड को जैसे ओपन करता है बाइक आपका बंद, और जैसे ऊपर करता है तब ये स्टार्ट होगा। गियर शिफ्टिंग वगैरह यहाँ पे दिया गया, 5 गियर का मिलेगा, ट्रांसमिशन एक डाउन शिफ्ट, बाकी 4 अप शिफ्ट। ये देख सकते हैं फुटरेस्ट काफ़ी मतलब स्मूथ है, और ये मैनुअल है, इसको चाहे तो फोल्ड करके भी रख सकते हैं। रियर सस्पेंशन एडजस्टेबल देख सकते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं, दोनों साइड से मिलेगा लेफ्ट एंड राइट, और चेन ड्राइव में मिलेगा यहाँ पे। अब रियर टायर सेक्शन का बात कर लें, और डबल स्टैंड पे तो लगी हुई, ये नहीं कि डबल स्टैंड नहीं है तो है इसमें। अब यहाँ पे रियर टायर का बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है देख सकते हैं रियर टायर जो है, अभी इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको न्यूट्रल कर लिए। 110, 80 और 17 इंच अलॉय व्हील का ट्यूबलेस टायर, मतलब फ्रंट एंड रियर दोनों का दोनों आपको ट्यूबलेस में मिलेगा, और 17 इंच अलॉय व्हील के साथ मिलेगा। फ्रंट टायर जो है 90 सेक्शन का, यहाँ पे आपको 110 सा मतलब 110 का है, मतलब 110 का। ग्रिप वगैरह सेम आपको देखने के लिए मिलेगा ऑलमोस्ट देखा जाए तो, और साइड स्टैंड मतलब साइड फुटरेस्ट यहाँ पे भी आपको लग जाएगा। अब इधर साइड से देख सकते हैं बैकलाइट वगैरह देखा जाए तो, बैकलाइट में चेंजेस जो बीच में हुआ था इंडिकेटर टाइप में वही चीज़ जो वही यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ग्रब रियल सिंगल सिंगल करके दो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो फुल्ली मेटल का दिया गया है, बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन है। इसमें आपको सिंगल सीट ही मिलेगा, स्प्लिट सीट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये भी बेहतरीन है। बाकी अब माइलेज वगैरह तो आपको पता ही है, वो चीज़ हम आगे बात करेंगे। देख सकते हैं दोनों साइड से रिफ्लेक्टर, यहाँ पे नंबर प्लेट का ऑप्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्टर, इसके नीचे एक और पार्ट लगता है जो आपको शायद भी तरह से सीरीज आता होगा, जो भी आता होगा वो मिल जाएगा। एग्जॉस्ट वगैरह देख ही सकते हैं स्टैंडर्ड कर दिया गया, पहले थोड़ा बड़ा साइज में होता था, मोटा हैवी, लेकिन इसको अपडेट करके बेहतरीन कर दिया है। इधर ब्रेक पेडल वगैरह सारा कुछ हो जाता है। अब देखेंगे इसका बटन कंट्रोल वगैरह, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा LED डिस्प्ले, जहाँ पर आपका एक एक चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा, स्पीडोमीटर, टाइमिंग, ट्रिप वगैरह, ठीक है। उसका कंट्रोलिंग यहाँ पे मोड वगैरह मतलब जो होता है ट्रिप वगैरह सेट करने के लिए, लो बीम हाई बीम, पासिंग का स्विच यहाँ पे देख सकते हैं, पासिंग का स्विच, लो बीम हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच। इधर आपको मिल जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे मोड का बटन, यहाँ पे इग्निशन मतलब इंजन ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पे मिल जाएगा सेल्फ स्टार्ट का बटन। कीक का ऑप्शन अब इसमें भी नहीं देखने के लिए मिलेगा, मतलब अब जितना सारा बाइक आता है ना ऑलमोस्ट धीरे धीरे कीक को हटाया जा रहा है। और ये चीज़ क्या होता है ना कि बेहतरीन हो गया, स्मार्ट टेक्नोलॉजी हो गया, BS6 आ गया, OBD2 फेज 2, इसके वजह से जो बाइक है सारा कुछ अपडेट कर दिया गया है, तो बेहतरीन है। अब हम बात कर ले अगर इसका इंजन से रिलेटेड, तो इसमें मिल जाता है सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन 2 वाल्व के साथ, और ये मिल जाता है एयर कूल्ड के साथ। और इसका इंजन सीसी का बात कर ले तो 159.7 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो 160 सेगमेंट में ये आती है। उसके बाद इसका पावर का बात कर लें तो 15.8 PS का मैक्सिमम पावर, 13.8 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है जो इंजन प्रोवाइड करती है। बाकी फ्यूल डिलीवरी सिस्टम का बात करें तो वो हो जाता है FI, जिसको बोला जाता है फ्यूल इंजेक्टर। इसका माइलेज जो होता है बहुत बेहतरीन होता है आपको पता ही है, और माइलेज कंपनी ऐसे तो इसका 55-60 का करती है, लेकिन कस्टमर का जहाँ तक रिव्यू आया माइलेज से रिलेटेड तो 45-50 का ऐसे इजीली अगर हाईवे पे चलते हैं
इकोनॉमी मोड पे, मतलब इकोनॉमी राइड में, जैसे नॉर्मली होता है ना स्पीड के 55 टू 60 का, तो वहाँ पे नॉर्मली आपको 45 टू 50 का माइलेज मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी फ्यूल डिलीवरी सिस्टम जो है वो टोटल आपको 12 लीटर का अप्रॉक्स मिल जाएगा, तो बेहतरीन होता है, आपको पता ही है कि 12 लीटर का फ्यूल टैंक है तो बेहतरीन है, ठीक है, और आराम से फ्यूलिंग करवा के कहीं पे भी आ जा सकते हैं। सीट कंफर्ट वगैरह काफ़ी बेहतरीन है, और इसका बाइक अगर फुल वेट का बात कर ले तो 137 केजी हो जाता है विदाउट फ्यूल, ठीक है, तो ये भी चीज़ बेहतरीन है, ज़्यादा वेट भी नहीं है, लाइट वेट भी है, ठीक है, इतना सारा कुछ। तो जहाँ तक इसका देख पा रहे हैं, इसका लुक वाइज से लेकर हर एक चीज़, बाकी कंफर्ट वगैरह, हैंडलिंग, बैलेंसिंग वगैरह जितना सारा कुछ, तो चीप एंड बेस्ट अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन ये बाइक हमको लगती है। और पहले जो होता था ना स्टिकर वगैरह, तो उसको रिमूव करके जो मॉडल लाया गया, तो ये भी चीज़ बेहतरीन लग रहा है पे लुक वाइज। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताना है। तो गाइज कैसा लगा इसका रिव्यू, अगर अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर दे। इस तरह बाइक से रिलेटेड कंटिन्यू रिव्यू लेके आते रहते हैं, चाहे बाइक हो, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी, कोई भी चीज़ से कोई इशू नहीं है। कुछ भी अगर छूट रहा हो तो नीचे जाके पूछ सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, आज का रिव्यू खत्म करते हैं अपाची RTR 2V के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।